Hello all, welcome back to our channel Nursery to Varsity. In this tutorial we will study simultaneous differential equations and their method of solutions. So now we will study simultaneous differential equations. Suppose we have two equations in x and y, say f1 dy plus f2 dx is equals to ft, and say psi1 dy plus psi2 dx is equals to psi t. ये दो इक्वेशंस हैं x और y में, दीज आर कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेट y फ्रॉम द अबव इक्वेशंस विच गिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन x ओनली. सेकेंड, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन x बाय द मेथड्स डिस्कस्ड अर्लियर. एंड थर्ड, सब्स्टिट्यूट x इन एनी वन इक्वेशन टू गेट y. अब हम एक क्वेश्चन लेंगे इसका, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा. से क्वेश्चन इज dx बाय dt माइनस 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 0. ये पहली इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन है dy बाय dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं d माइनस 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 0. सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इज d माइनस 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन वेयर d इज इक्वल्स टू d बाय dt. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट y और x, दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द अबव इक्वेशंस. सो वी विल एलिमिनेट y. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय d माइनस 5 एंड सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा d माइनस 5 इंटू d माइनस 7 एक्स प्लस डी माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0. एंड फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन, दैट इज डी माइनस 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया आपका माइनस एंड दिस इज प्लस. एंड द रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी, ये कैंसिल आउट हो गई टर्म, रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई डी माइनस 5 डी माइनस 7 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. एंड दिस इक्वेशन विल बिकम डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 7d प्लस 35 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. एंड दिस इज डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37x इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट. दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट.
इसको सॉल्व करने के लिए हम CFTI वाला मेथड यूज़ करेंगे और CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 इज इक्वल्स टू 0, एम इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 37 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 148 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2 दिस इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस आयोटा. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e टू द पावर 6t. यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि d आपका d बाय dt है, इसलिए यहाँ भी t आएगा. c1 cos t प्लस c2 sin t. e टू द पावर 6t प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t. और यहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो है. वी कैन ईजिली सी दैट राइट हैंड साइड इज ज़ीरो, यहाँ भी और जो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन आई उसमें भी, इसलिए इसमें PI आपका ज़ीरो होगा. तो x की वैल्यू आ गई, x इज e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t. अब हम y निकालेंगे, तो x की इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी d माइनस 7x प्लस y इज इक्वल्स टू 0. दिस इज d माइनस 7 e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस y इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से अब d को ऑपरेट करेंगे इस पर, d मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो वी विल गेट u इंटू v मैथड से इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले e टू द पावर 6t का डिफ्रेंसिएशन करा, सो दिस इज 6 e टू द पावर 6t और रिमेनिंग टर्म एज इट इज प्लस c2 sin t. देन e टू द पावर 6t को एज इट इज रखा और इसका डिफ्रेंसिएशन करा, तो ये आ गया माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t. देन माइनस 7 के संग मल्टीप्लाई करा, तो माइनस 7 e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस y इज इक्वल्स टू 0. एंड नाउ इट बिकम्स e टू द पावर 6t. दिस इज 6 e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t एंड माइनस 7, तो ये हो गया माइनस e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t प्लस e टू द पावर 6t माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस y इज इक्वल्स टू 0. और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 6t को कॉमन लिया एंड देन cos t विद इन ब्रैकेट c2 माइनस c1 प्लस sin t विद इन ब्रैकेट c2 माइनस c2 माइनस c1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0. और y की वैल्यू यहाँ से आई, y इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर 6t विद इन ब्रैकेट c2 माइनस c1 cos t माइनस कॉमन ले लिया c1 प्लस c2 sin t. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. सो वी हैव टेकन आउट x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t
एंड वाई इज माइनस सी टू द पावर 60 सी टू माइनस सी वन कॉस टी माइनस सी वन प्लस सी टू साइन टी एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल टू इलेबोरेट इट इन मोर ईजी वे, जिसमें अब हम राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन ऑफ टी लेंगे जीरो के बजाय, जिसमें हम सी एफ के साथ साथ पी आई भी निकालेंगे. नाउ आई विल टेक अनदर क्वेश्चन. से डी एक्स बाय डी टी प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू टी एंड डी वाई बाय डी टी प्लस टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी. फर्स्ट इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू टी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन इज डी प्लस फाइव वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी. नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय डी प्लस फाइव. फर्स्ट को डी प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करा, सेकेंड को थ्री से मल्टीप्लाई करा और सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी बन जाएगी डी प्लस फाइव डी प्लस फोर एक्स प्लस थ्री डी प्लस फाइव वाई माइनस थ्री डी प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू डी प्लस फाइव टी माइनस थ्री ई टू द पावर टी. एंड रिजल्टेंट इक्वेशन विल बी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये बच गया डी प्लस फाइव डी प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, का मतलब टी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो ये हो गया वन प्लस फाइव टी माइनस थ्री ई टू द पावर टी. और ये इक्वेशन आपकी बन गई डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव टी माइनस थ्री ई टू द पावर टी. दिस इज डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस फोर्टीन एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव टी माइनस थ्री ई टू द पावर टी. दिस कैन बी रिटन एज, अब ये इक्वेशन हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट बन गई है. और क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करता है तो इसमें सी एफ और पी आई दोनों निकलेंगे. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर प्लस नाइन एम प्लस फोर्टीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एम स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस टू एम प्लस फोर्टीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एम एम प्लस सेवन प्लस टू एम प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एम इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड माइनस सेवन. तो हमारी इक्वेशन बनी सी एफ, एक्चुअली सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस सेवन टी. अब पी आई निकालने के लिए पी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस फोर्टीन प्लस फाइव टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस फोर्टीन माइनस थ्री ई टू द पावर टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस नाइन डी प्लस फोर्टीन. अब ये और ये तो अल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं और इसका बाइनोमियल सीरीज से करेंगे. और तीसरा वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको अलग मेथड से करेंगे. सो दिस इज वन अपॉन फोर्टीन कॉमन लिया वन प्लस डी स्क्वायर प्लस नाइन डी अपॉन फोर्टीन एंड विद इन ब्रैकेट वन प्लस फाइव टी एक साथ ले लिया
माइनस थ्री ई टू द पार्टी, यहाँ टी का कोफिशियंट 1 है तो डी की जगह 1 रख दिया, 1 प्लस 9 प्लस 14, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14, 1 प्लस d² + 9d / 14 होल टू द पावर माइनस 1, 1 प्लस 5t, माइनस 3 ई टू द पावर टी अपॉन 14 प्लस 10, दैट इज 24। ये हो गया 1 अपॉन 14, 1 माइनस d² + 9d / 14। इसके नेक्स्ट टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ हाईएस्ट पावर टी की 1 है, 1 प्लस 5t, माइनस ई टू द पावर टी अपॉन 8, दिस इज 1 अपॉन 14, 1 प्लस 5t, d² इस पे ऑपरेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन 14, और 5t का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 5t का डिफरेंशिएशन इंटू 5, माइनस ई टू द पावर टी अपॉन 8, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14, 1 प्लस 5t, -45/14, -e^8, एंड वैल्यू ऑफ x विल बिकम x इज इक्वल्स टू CF + PI, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू C1 e to the power minus 2t plus C2 e to the power minus 7t plus 1 upon 14 plus 5 upon 14 t minus 9 upon 14 minus e to the power t upon 8. This is the value of x. Now substituting it in first we get, first में इसको substitute करा तो हमारा हमको मिलेगा d plus 4 into x, मतलब c1 e to the power minus 2t plus c2 e to the power minus 70 plus 1 upon 14 plus 5 upon 14 t minus 9 upon 14 minus e to the power t upon 8 plus 3y is equals to t. D's पे ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 c1 e to the power minus 2t minus 7 c2 e to the power minus 70, 1 upon 14 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, देन कम्स 5 upon 14, दिस इज 0, एंड -e to the power t upon 8, देन +4, सो दिस इज +4 c1 e to the power minus 2t plus c2 e to the power minus 70 +1 upon 14 plus 5 upon 14 t minus 9 upon 14 minus e to the power t upon 8 plus 3y is equals to t. So now it becomes 2 c1 e to the power minus 2t, and this is -3 c2 e to the power minus 70, this is -27/98, -5 e to the power t upon 8, -10/7t + 3y is equals to t. And from here we get y is equals to 1 upon 3 3 c2 e to the power minus 70 minus twice c1 e to the power minus 2t plus 5 upon 8 e to the power t plus 27 upon 98 minus 3 upon 7t. This is the value of y. X की वैल्यू हमें मिली थी, x is c1 e to the power minus 2t
प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस 70 प्लस 1 अपॉन 14 प्लस 5 अपॉन 14 टी माइनस 9 अपॉन 14 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन 8. दीज टू रिटन टूगेदर फॉर्म द सोल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर. Hope you have enjoyed this tutorial, and if you have any queries, you can either comment in the comment box or mail us at nerd2var@gmail.com. You can also follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram. You can see the links here. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching. Stay tuned.